नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पार्ट छठवां, जो कि आगामी एग्जाम जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस सीरीज का हर एक वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, जिसमें हम यहाँ पर 3600 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के यह वीडियो का दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पर, कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। दोस्तों, कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का जो प्रमुख अयस्क है वह कैल्शियम का है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रमुख अयस्क डोलोमाइंड पोटेशियम का है, दोस्तों यहाँ पर नाइटर, और कैडमियम का है ग्रेमोकाइड। ठीक है, मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो प्रमुख अयस्क होते हैं यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों यह आप सभी के याद रखिए। ठीक है, इसमें मैंने कैल्शियम का बताया आपको, कैल्शियम का प्रमुख अयस्क है डोलोमाइंड, पोटेशियम का प्रमुख अयस्क है नाइटर, और कैडमियस का प्रमुख अयस्क है ग्रीनोकाइट। आप यह याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक गैस मिश्रण होती है। दोस्तों, प्राकृतिक जो गैस होती है यह किसका मिश्रण होता है? यह दोस्तों होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। दोस्तों, एलपीजी में जो गंध आती है भाई किसके कारण आती है? तो दोस्तों, सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्क कार्बेन के कारण, यानी कि मिथाइल मार्क कार्बेन मिलाया जाता है एलपीजी में, जिसके कारण उसमें गंध आती है रिसाव के समय। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाते हैं। तो सेल्यूलोज से बने जो कृत्रिम रेशा होते हैं यह दोस्तों क्या कहलाते हैं? रेयान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेयान कहलाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो अपेक्षिक घनत्व की बात करें तो दोस्तों 2.2 होता है, और अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, यहाँ पर कितना होता है? तो सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है यह होता है 22.4 लीटर। ठीक है, कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 1 मोल बराबर होता है। दोस्तों, 1 मोल किसके बराबर होता है? तो 1 मोल होता है 6.023 × 10³ होता है, जो कि एवोगाड्रो संख्या है। ठीक है, क्या है? एवोगाड्रो संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है। तो बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है वह छड़ बनी होती है कैडमियम या ब्रोरॉन की छड़ बनी होती है, कैडमियम या ब्रोरॉन की छड़ बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अर्धचालक का उदाहरण है। दोस्तों, अर्धचालक जो है कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है यह अर्धचालक का उदाहरण है, यह माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो कांच में सबसे अधिक जो वेग होता है यह लाल रंग का होता है, और सबसे
कम बैग जो होता है यह बैगनी रंग का होता है, ठीक है। सबसे अधिक होता है लाल रंग का, सबसे कम बैगनी रंग का होता है कांच में रंगों का बैग, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला होता है किसके। पानी में डूबा हुआ जो हवा का बुलबुला होता है दोस्तों, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। किसके, अवतल लेंस के भांति यह कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना होता है यह काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर तथा वस्तु के ठीक उल्टा होता है, यहाँ पर विपरीत होता है, तो ठीक है, काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है वस्तु के, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है यह 3900 एंगस्ट्रम से, ठीक है, 3900 तरंग दैर्ध्य से कितना, 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है, ठीक है। कितना होता है, 3900 से 7800 के बीच में यह होता है तरंग दैर्ध्य प्रकाश का। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो वायु तथा निर्वात में प्रकाश की जो चाल है सबसे अधिकतम होती कितनी है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितनी, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड होती है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो दोस्तों ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है यह चालन विधि के द्वारा होता है, किस विधि के, चालन विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो दोस्तों कान में ध्वनि का जो प्रभाव रहता है यह 1/10 सेकंड तक ही रहता है, ठीक है। कितने, 1/10 सेकंड तक ही कान में ध्वनि का प्रभाव रहता है। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितनी, तो न्यूनतम दूरी 17 मीटर के लगभग होनी चाहिए। कितनी, न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, दोस्तों अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग कौन कौन से, तो अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग हैं प्रकाश तरंगें, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न की बात करें, सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल होता है, तो सेकेंडरी जो लोलक होता है इसका जो आवर्त काल होता है यह 2 सेकंड का होता है, ठीक है। कितने का, 2 सेकंड का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पर लोलक का आवर्त काल निर्भर नहीं करता, दोस्तों लोलक का जो आवर्त काल है यह लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, वायुमंडल में दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक कौन सा है, तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो है यह बैरोमीटर है और जो मात्रक है यह बार है, ठीक है। वायुमंडलीय यंत्र कौन सा है, तो वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र की बात करें तो मापक यंत्र है बैरोमीटर, और जो इकाई या फिर मात्रक बोले तो मात्रक क्या है, तो मात्रक है बार है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पर मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो मानव जो है वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कम से कम 25 सेंटीमीटर तक, यानी 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी तक यह स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कैप्सूल का आवरण बना होता है, यार जो कैप्सूल का जो बाहरी हिस्सा होता है यह स्टार्च का बना होता है, ठीक है, स्टार्च का बना होता है जो मुख में आते ही है घुलने लगता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए,
अंडे का अनावरण जो बना होता है, तो जो अंडे का बाहरी भाग होता है यह दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, अंडे का बाहरी आवरण या बाहरी भाग जो है यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित, मानव मस्तिष्क तथा सिर का जो अध्ययन होता है यह फोनोलॉजी शाखा में होता है। ठीक है, किसमें? फोनोलॉजी नामक शाखा में मानव मस्तिष्क तथा मानव के सिर का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है, तो डिहाइड्रेशन से दोस्तों सोडियम क्लोराइड पदार्थ का, ठीक है, किससे? सोडियम क्लोराइड पदार्थ का कमी होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किसी भी वस्तु का जो भार होता है वह अधिकतम कहाँ पर? निर्वात में होता है। अधिकतम कहाँ पर? निर्वात में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कृत्रिम सिल्क जो है यह क्या कहलाता है? रेयान कहलाता है। सिल्क को ही यहाँ पर रेशा बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, तो पौधों में जैव पदार्थों का जो वहन होता है यह होता है फ्लोयम से। ठीक, किससे होता है? फ्लोयम से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आंसू गैस जो है यह कौन सी है, तो आंसू जो गैस है यह दोस्तों क्लेरो एसिटोफिनोन, ठीक है, क्लेरो एसिटोफिनोन गैस है जो कि आंसू गैस कहलाती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, अति चालक की प्रतिरोधकता होती है, तो अति चालक की प्रतिरोधकता जो होती है यह दोस्तों शून्य होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, डीएनए की खोज किसने किया था, यहाँ पर डीएनए की खोज किसने की थी, तो दोस्तों आपको बता दें डीएनए की जो खोज है यह वाटसन एवं क्रिक नामक जो वैज्ञानिक थे इनके द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। ठीक है, वाटसन नाम अलग है और क्रिक नाम अलग है, यानी कि दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर डीएनए की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है यह मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका जी है आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर तम्बाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो तम्बाकू जो होती है इसमें जो विषैला पदार्थ है पाया जाता है उसे कहा जाता है निकोटिन। ठीक है, क्या कहा जाता है? निकोटिन कहा जाता है तम्बाकू में जो पदार्थ पाया जाता है विषैला। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में जो जल को ठंडा किया जाता है वह उसमें क्या? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है जल को ठंडा करने के लिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10^5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है वायुमंडलीय दाब बराबर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दो समांतर जो दर्पण होते हैं इनके जो बीच रखी वस्तु है इसके प्रतिबिंब कितने बनते हैं दोस्तों? इसके प्रतिबिंब अनंत बनते हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन जो है यह बदल देता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सी जो है पेप्सिन नामक हार्मोन्स है यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्वासी और कर तथा मासा मसास मस की जो बीमारी होती है यह दोस्तों किसकी कमी से? यह होती है प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर
डीएनए की इकाई कहलाती है। तो दोस्तों डीएनए की जो इकाई है यह कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है डीएनए की इकाई, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न की बात कर, अगला प्रश्न है यहाँ पर किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। दोस्तों यह 40 डिग्री, -40 डिग्री पर होता है। कितने? -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मान होता है यह समान होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में जो गैस का प्रयोग होता है उस गैस का नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस ट्यूबलाइट में भरी जाती है, यहाँ पर ट्यूबलाइट में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे हमारी तरफ से पल पल की अपडेट और हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।